मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए। इंडिविजुअल गेम में दो ओलंपिक गोल्ड है और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक और FIR से उसका कुछ नहीं होना। डिसीजन आया है लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो भी जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज़ करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जाँच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। देखिए जो FIR पहले दिन होने चाहिए थी वो 6 दिन लग गया FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं, FIR तो हम कैसे भी करके आगे दो 10 दिन बाद करवा ही लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक और FIR से उसका कुछ नहीं होना, उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है, तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड है और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप FIR दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? आपके साथ में FIR के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनकी लिस्ट है उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR तो उनके ऊपर बहुत है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा।